पर कुंभ होता है, जिसे देसी भाषा में कंधा या कांध कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं। इसके कुंभ के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, सूर्य केतु नाड़ी बाहरी वातावरण से आवश्यक औषधीय पदार्थों को ग्रहण कर उन्हें दुग्ध, मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती है, जो अधिक से अधिक पौष्टिक, गुणकारी एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस नाड़ी की वजह से देसी गाय के मूत्र में, तांबा और दूध घी में स्वर्ण लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण देसी गाय का दूध, घी और मक्खन सुनहरे रंग का होता है। सूर्य केतु नाड़ी से निम्न प्रकार के पदार्थों की उपलब्धि गाय के दूध में होती है, जैसे 6 प्रकार के विटामिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 25 प्रकार के खनिज, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 4 प्रकार के फास्फोरस और 2 प्रकार के ग्लूकोज इत्यादि। ये सूर्य केतु नाड़ी सौर मंडल के सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के सभी चमकते या टिमटिमाते तारों, ग्रहों, उपग्रहों की ऊर्जाओं तथा प्रकाश की किरणों को ग्रहण करके गाय को प्रदान करती है, जिसके कारण देसी गाय से दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर जैसे अत्यधिक लाभकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये कुंभ अथवा कांध या कंधा तथा सूर्य केतु नाड़ी विदेशी नस्ल की गायों में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनकी पीठ सपाट होती है। देसी गाय की गर्दन के नीचे लटकी नर्म एवं कोमल त्वचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं। ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है, गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनके अंदर गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम या शून्य के बराबर होती है। देसी गाय के कान आमतौर पर लंबे होते हैं, जबकि विदेशी गाय के कान आमतौर पर छोटे होते हैं। देसी गाय के सिंग आमतौर पर लंबे एवं पिरामिड के आकार के होते हैं, जो वास्तविक तौर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं एवं ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण कर उन्हें पंचगव्य के लिए सही ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ज्यादातर विदेशी नस्ल की गाय में सिंह होते ही नहीं है, कुछ नस्ल में पाए जाते हैं लेकिन अत्यधिक छोटे आकार में, जिसके कारण ब्रह्मांडीय तरंगों को ये ग्रहण नहीं कर पाती हैं। देसी गाय का मुखमंडल गोलाकार होता है, जो दिखने में अच्छा लगता है, और विदेशी गाय का मुखमंडल चपटा होता है, जो दिखने में भद्दा लगता है। देसी गाय की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती है। विदेशी गाय की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती है। देशी गाय की खुरें छोटी होती हैं और जो एक दूसरे से काफी लगी होती हैं, जो वातावरण के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती हैं। विदेशी गायों की खुरें काफी खुली और बड़ी होती हैं, जो वातावरण के अनुसार असंतुलित होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देसी गाय काफी बुद्धिशील होती हैं। देसी गाय की प्रकृति या स्वभाव में अपने बछड़े के प्रति स्नेह और प्यार का बंधन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विदेशी गाय वैज्ञानिक दृष्टि से बुद्धिशील नहीं होती हैं और ये अपने बछड़े से लगाव नहीं रखती। देसी गाय में सुरक्षा प्रदान शक्ति रेसिस्टेंस पावर अत्यधिक होती है, जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढालने में सक्षम होती हैं। विदेशी गाय में सुरक्षा प्रदान शक्ति कम होती है, जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढालने में सक्षम नहीं होती हैं। देसी गाय में शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति अत्यधिक होती है, जिसके कारण बगैर थके काफी दूर तक विचरण कर सकती हैं। विदेशी गाय में शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति कम होती है, जिसके कारण ये काफी दूर तक विचरण नहीं कर सकती और थक जाती हैं। देसी गाय एवं विदेशी गाय के बीच में एक विशेष अंतर पाया जाता है। देसी गाय चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जिससे वातावरण शुद्ध एवं शांतिपूर्ण हो जाता है, जबकि विदेशी गाय में ये ऊर्जा नहीं होती है। भारतीय कुंभ या कांधे वाली गाय अक्सर सफेद रंग की पाई जाती है। देसी गाय आमतौर पर कम मात्रा में खाना खाती है
और संतुलित मात्रा में पानी पीती है। इस प्रकार कम एंटीबायोटिक्स के सेवन करने से देसी गाय में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। देसी गाय से उपलब्ध पंचगव्य वास्तविक रूप से शुद्ध एवं सुगंधित होते हैं, जबकि विदेशी गाय का पंचगव्य उत्तेजक, मलजनित, दुर्गंध और गंदगियों से भरा होता है। देसी गाय कीट पतंग जैसे जीवों से मुक्त रहती है और मुक्त ही चरती है, मक्खी एवं मच्छरों को भगाती है। इसका कारण देसी गाय के शरीर में अंदरूनी ग्लैंड से पैदा होने वाली तैलीय पदार्थों जैसी फिसलन होती है, जिससे इनका शरीर साफ सुथरा रहता है, जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर उसके चारों ओर भिनभिनाते रहते हैं। ये बात स्पष्टनीय है कि भारतीय देसी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है, जबकि विदेशी गाय डरावनी और गुस्सैली लगती है। देसी गाय की पीठ सुंदर और गोलाकार होती है, जबकि विदेशी गाय की पीठ कुछ अजीब सी कोण आकृति की होती है। भारतीय देसी गाय का गोबर एक प्रकार की पतली परत से ढका होता है जो सुगंधित लगती है, जबकि विदेशी गाय का गोबर दुर्गंधित होता है। देसी गाय का दुग्ध, जिसे संकेतिक शब्द में A2 कहा जाता है, मनुष्य के लिए सदा सेवनीय तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है, और विदेशी गाय का दुग्ध, जिसे संकेतिक शब्द में A1 कहा जाता है, सेवन में संदेह और प्रश्नजनक है। यहाँ पर पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 दूध और A1 दूध क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार भारतीय देसी गाय के 209 तत्व के DNA में 67 पद पर स्थित एमिनो एसिड प्रोलीन पाया जाता है। किसी कारणवश जब गाय के DNA में प्रोलीन एमिनो एसिड हिस्टिडिन के साथ उत्परिवर्तित हो गया, तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। भारतीय देसी गाय के दूध में प्रोलीन अपने स्थान 67 पर बहुत दृढ़ता से आग्रह पूर्वक अपने पड़ोसी स्थान 66 पर स्थित अमीनो एसिड आइसोल्यूसीन से जुड़ा रहता है, परंतु जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्टिडीन आ जाता है, तब इस हिस्टिडीन में अपने पड़ोसी स्थान 66 पर स्थित आइसोल्यूसीन से जुड़े रहने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। इस स्थिति में ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन मानव शरीर की पाचन क्रिया में आसानी से टूटकर बिखर जाता है। इस प्रक्रिया में 1-7 अमीनो एसिड का छोटा प्रोटीन स्वच्छंद रूप से मानव शरीर में अपना अलग अस्तित्व बना लेता है। इस 7 अमीनो एसिड के प्रोटीन को BCM7 यानी बीटा कासोमोर्फिन 7 नाम दिया जाता है। BCM7 एक अफीम परिवार का नशीला तत्व है, जो मानव स्वास्थ्य पर अपनी श्रेणी के दूसरे अफीम जैसे ही नशीले तत्वों जैसा दुष्प्रभाव डालता है। जिस दूध में ये विषैला मादक पदार्थ BCM7 पाया जाता है, उस दूध को A1 दूध का नाम दिया गया है। ये A1 दूध उन विदेशी नस्ल की गायों में पाया जाता है, जिनके DNA में 67 स्थान पर प्रोलीन ना होकर हिस्टिडीन होता है। भारतीय देसी गाय के दूध में BCM7 नाम का विषैला मादक तत्व नहीं पाया जाता, इसलिए इसे A2 दूध कहा गया है। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च ने बयान दिया है कि भारतीय देसी नस्ल की गायों का दूध उत्तम गुणवत्ता से भरपूर है। शोध कार्यों को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिकों ने देसी नस्ल की गायों का व्यापक विश्लेषण किया और बताया कि भारतीय देसी नस्ल की गाय उत्तम गुण संपन्न दूध प्रदान करती है, जबकि विदेशी गायों के दूध में मानव स्वास्थ्य के लिए उत्तम गुण नहीं पाए जाते। A2 दूध में अधिक मात्रा में ओमेगा-6 फैटी एसिड यानी ओमेगा-6 चर्बी अम्ल पाया जाता है। भारतीय देसी नस्ल की गाय पूर्णतः A2 दूध उत्पन्न करती है, जिसमें कम मात्रा में BCM7 पाया जाता है, जबकि विदेशी गायों में इसकी मात्रा अधिक रहती है और ये गाय A1 दूध ही उत्पन्न करती है। A1 दूध मनुष्य के शरीर में पहुंचकर 2 या अधिक प्रकार के अमीनो एसिड उत्पन्न करता है, जिन्हें हम पेप्टाइड या BCM7 कहते हैं। ये मानव शरीर के अंदर पहुंचकर गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। 1 लीटर A1 दूध में 24 से 32 ग्राम कैसीन पाए जाते हैं और जिसमें 9 से 12 ग्राम BCM7 लगभग 2 चाय के चम्मच पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हैं।
भारतीय देसी गाय के दूध में अत्यधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे साइटोकाइंस और उपयोगी खनिज तत्व जो शरीर के लिए बढ़ती शक्तियों को प्रदान करते हैं। मानव शरीर के लिए आदर्श पूर्ण कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में 2:1 होनी चाहिए, जबकि A1 दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में 10:1 है, जो मानव शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मैग्नीशियम शरीर के लिए स्थिरता व संतुलन का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खून में नियमित रूप से तरलता तथा प्रवाह कायम करता है, मांसपेशियों में भी परिवर्तनशील प्रक्रिया को चालू रखता है। जब मानव शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में हो जाता है तो शरीर कमजोर और स्थूल हो जाता है। ये मनुष्य के रक्तचाप को अनियमित कर देता है, जिससे किसी को भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है। मैग्नीशियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में 300 से अधिक उपकारी प्रक्रिया संतुलित अवस्थाओं में चलती रहती है। इसलिए मैग्नीशियम को वैज्ञानिकों ने नाम दिया कैटलिस्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन स्फूर्ति। A1 दूध में मैग्नीशियम की मात्रा हमेशा कम होती है। A1 दूध के सेवन से मानव शरीर में गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे एक्ने, एक्सिमा, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, अस्थमा, एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, आरटीओ स्क्लेरोसिस एंड इंटॉलरेंस ब्लोटिंग।